The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों हमने वीडियोस बना चुके हैं, वे प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, क्रिएटिन, ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, सब पे वीडियोस आ रहे हैं, आ चुके हैं। अब आपकी बारी है सोय प्रोटीन। सोय प्रोटीन क्या है, कहाँ से आता है, चाहिए नहीं चाहिए, सेफ है कि नहीं, गायनेकोमास्टिया तो नहीं हो जाएगा, बहुत सारे सवाल, और आज आपको मिलेगा सही जवाब। देखो आज की बात नहीं है कि सोया खाना शुरू, 5000 सालों से इंसान सोयाबीन सोया खा रहे हैं। एंड सोया इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन, बहुत हाई है, प्रोटीन भर भर के है उसमें, और इसका प्रोटीन बिल्कुल रत्ती भर भी एनिमल मीट, चिकन, अंडे के प्रोटीन से कम नहीं है, ये बिल्कुल इक्वल है आपके एनिमल प्रोटीन से। सोया प्रोटीन जो होता है सोयाबीन के अंदर होता है, और ये यूज़ होता है जो लोग एनिमल प्रोटीन नहीं लेते, दूध भी नहीं लेते, उनके लिए सोया खाना बहुत ज़रूरी है, वेजिटेरियंस में, राइट। सोयाबीन एक दाल है, लेग्यूम है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़ीरो है और सैचुरेटेड फैट भी कम है। ये अकेला वेजिटेबल वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें कि 8 असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, और सोयाबीन एक बहुत अच्छा फूड सोर्स है जिसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, जिंक और बी विटामिन्स है वेजिटेरियंस के लिए। तो वेजिटेरियंस को कंपलसरी अच्छे मात्रा में सोयाबीन खाना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ सोयाबीन को एनिमल प्रोटीन की जगह आप ले सकते हैं, तो अगर आप लेते हैं, ये देखा गया है कि आपके फ़ायदे ना सिर्फ आपके हेल्थ पे, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होंगे, आपके LDL बैड कोलेस्ट्रॉल, आपके ट्राइग्लिसराइड्स कम होंगे, ये और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन फ़ायदे देखने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्या इसकी सेफ्टी है, और उससे पहले आपको थोड़े टर्म्स समझने होंगे कि आइसोफ्लेवोन्स क्या है। आइसोफ्लेवोन्स ये वो फाइटोइस्ट्रोजन्स हैं जो सोए में होते हैं। फाइटोइस्ट्रोजन क्या है? फाइटोइस्ट्रोजन एक प्लांट कंपाउंड होता है जिसमें हार्मोन की जैसे एक्टिविटी होती है आपके बॉडी के अंदर, राइट। और फाइटोकेमिकल क्या है? केमिकल जो प्लांट में मिलता है। लिग्नान क्या है? एक फाइटोइस्ट्रोजन है जो फ्लेक्सीड यानी ग्रेन्स में मिलता है। सो क्या सोय लेना सेफ है, क्या उससे कोई फ़ायदा है? देखिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US में ये सारे क्लेम्स जो हेल्थ बेनिफिट के हैं सोया में बिल्कुल अप्रूव किए गए हैं 1999 से लेके, बार बार करते जाते हैं कि सोयाबीन लेना हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, मोटापे के लिए, हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा है। और ना सिर्फ इसके लिए आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, बॉडी वेट कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इंसुलिन हाई होना, वो सब कंट्रोल कर सकते हैं आपकी। इवन इफ अगर आप डायबिटिक हैं, नहीं है आपकी ओबेसिटी, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होगा, मोटापा कम होगा, आपके बोन्स, आपके कैल्शियम बैलेंस मेंटेन होता है आपके खासकर वुमेन में, खासकर पोस्ट मीनोपोजल वुमेन्स में, जिनको एक्चुअली बिकॉज ऑफ मीनोपॉज के बाद में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, उन केस में सोया प्रोटीन बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। मेन के केस में सोया प्रोटीन के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स एक्चुअली बहुत सारे मैटर्स में देखे जा रहे हैं, मैन में भी या वुमेन में। वुमेन में थोड़े ज़्यादा है, मैन में थोड़े कम है, लेकिन एक और बेनिफिट है कैंसर प्रिवेंशन। जेनेस्टीन नाम का एक फाइटोकेमिकल है सोए के अंदर जो कि कैंसर का रिड्यूस करता है रिस्क। ब्रेस्ट कैंसर को ज़्यादा अटेंशन मिला था, लेकिन अब देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क भी वो कम करता है मर्दों में। याद रखिए 80% मर्दों को 80 की उम्र तक बीच में कहीं ना कहीं प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, तो प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होना बहुत अच्छी बात है। और ग्वानिस्टीन एक्चुअली कैंसर का डेवलपमेंट कैसे रोकता है, वो रोकता है नए खून की नसें बनाने से, जो ट्यूमर्स हैं उनको नए खून की नस नहीं बनती है, तो उनको उतना खाना ही नहीं मिलता है और ज़्यादा ग्रो होने के लिए। तो ये बहुत अच्छी फैक्टर है आपको कैंसर प्रिवेंशन में, इसीलिए इस चीज़ के लिए आपको कम से कम एक बार एक सर्विंग यानी आधा कप सोया मिल्क या आधा कप टोफू पूरे दिन में, या फिर आधा कप सोयाबीन लेनी चाहिए दिन में कैंसर प्रिवेंशन के लिए। और ये भी देखा गया है कि ये जो आइसोफ्लेवोन्स हैं ये मेन रोल प्ले करते हैं कैंसर प्रिवेंशन में। और एक डाइट
जिसमें कि सोयाबीन हो, अगर आप बचपन में लेते हैं, एडल्टहुड से पहले लेते हैं, तो आपके ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर का रिस्क भी कम होता है फीमेल्स में। और लेकिन जो लोगों ऑलरेडी हो चुका है कैंसर या पोस्ट मेनोपॉजल एज में, कैंसर का रिस्क हो जाने के बाद में कितना यूज़फुल होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, उसका अनक्लियर है उसका रोल। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्चुअली पाई जाती है, तो होल सोय, जो होल सोयाबीन है, प्रोडक्ट्स हैं जैसे टोफू हो गया, सोया मिल्क हो गया, वो प्रिफर्ड सोर्सेज हैं। अगर आप प्रोसेस्ड सोयाबीन लेते हैं, जैसे कि सोय प्रोटीन आइसोलेट और सोय प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का जो पाउडर है, उससे बेहतर है कि आप होल सोयाबीन लें, पूरी सोयाबीन खाएं, वो ज़्यादा प्रिफर्ड है, राइट। उसके बेसिस पे हम अभी बताएंगे आपको क्यों। लेकिन अगर आप आइसोफ्लेवोन सप्लीमेंट लेते हैं, सोयाबीन के आइसोफ्लेवोन्स जो पार्ट हैं, सोच के लेंगे कि आपका कैंसर प्रिवेंट होगा, कि उसको एक गोली के फॉर्म में लें, एक फूड के फॉर्म में, पिल के फॉर्म में लें, तो वो रेकमेंडेड नहीं है। उसको आप अगर डाइट में लेते हैं तो ही फ़ायदा होगा प्रॉपर में। हाँ, ये पिल के फॉर्म में लेने से पोस्ट मेनोपॉजल एज में फीमेल्स को जो हॉट फ्लैशेस होते हैं पेरीमेनोपॉजल टाइम पे, वहाँ पर बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है, लेकिन वही बेनिफिट आपको नॉर्मल डाइट में लेने से भी मिलेगा। तो इन सारे बेनिफिट्स के लिए कितना आपको, कितना सोय प्रोटीन चाहिए डेली? आपको सिर्फ 25 ग्राम सोय प्रोटीन चाहिए, 25 ग्राम सोय प्रोटीन पर डे, इतने सारे बेनिफिट्स को ऑब्टेन करने के लिए, राइट। इसीलिए आपको फूड एंड ड्रग एसोसिएशंस ने और इवन बहुत सारे मेटा एनालिटिक स्टडीज़ में पाया गया है कि आइसोफ्लेवोन्स, फाइटोइस्ट्रोजेंस, ये सब सेफ हैं आपके कंजम्पशन के लिए। और इवन जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट, जो जिनको लैक्टेज डेफिशिएंसी, अगर आपको दूध से मिल्क एलर्जी है, ग्लैक्टोसीमिया है, तो इन लोगों के लिए भी, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सोय बेस्ड फार्मूला, सोया मिल्क, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं बी विटामिंस के लिए, कैल्शियम के लिए, क्योंकि वेजिटेरियंस को नहीं तो उसकी कमी हो जाती है। सो इसीलिए आपको खाने चाहिए सोय बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। तो सोय प्रोटीन आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा? सोय प्रोटीन्स आपको अलग अलग प्रोडक्ट से मिलेगा, लेकिन हर एक प्रोडक्ट में एक ही मात्रा में प्रोटीन नहीं होता है। और हाइएस्ट प्रोटीन होता है सोय फ्लोर में, सोयाबीन के आटे में, उसके बाद होल सोयाबीन में, उसके बाद टेम्फे, टोफू और सोया मिल्क। सबसे कम सोया मिल्क में है, और उससे भी कम होता है फ़ायदा एक्चुअली पाउडर्स में। जी हाँ, पाउडर्स उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी वो क्यों? क्योंकि अगर आप बात करेंगे नॉर्मली सोयाबीन, सोया प्रोटीन आइसोलेट, दो प्रकार के पाउडर आते हैं, सोय प्रोटीन आइसोलेट, सोय प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। आइसोलेट में 90% तक सोय प्रोटीन को आइसोलेट कर दिया गया है, मतलब 90% प्रोटीन होगा, बाकी सब थोड़ा बहुत होगा कार्बोहाइड्रेट्स एट्सेट्रा और फैट्स। और सोय प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में अप टू 70% सोय प्रोटेट होता है सोय प्रोटीन, और वो बेसिकली सोया फ्लोर को ही डिफ्लेट करके, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट को हटा के सब बनाया जाता है, राइट। और लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल वैल्यू देखें, जो बायोलॉजिकल वैल्यू की, वो कितना यूज़फुल होता है अंदर जाके, कितना एब्जॉर्ब होता है, कितना एक्चुअली यूज़ होता है, तो जो सोय प्रोटीन आइसोलेट है या सोय प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू मात्र 74 है, और जो होल सोयाबीन है उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू 96 है, सोया मिल्क की बायोलॉजिकल वैल्यू 91 है। तो होल सोयाबीन में चाहे थोड़ा बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा है। सो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन खा सकते हैं अपनी डाइट में। लेकिन ये बात ऐसा है, 74% बायोलॉजिकल वैल्यू और 90% कॉन्सेंट्रेशन बुरा नहीं होता है, तो सोया प्रोटीन आइसोलेट भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और वो आप एज इवन बॉडी बिल्डिंग में ले सकते हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं है। कई लोगों को फाइटोइस्ट्रोजन से आपके गायनेकोमास्टिया और टेस्टोस्टेरोन या ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाने का रिस्क समझ में आता है, बोलते हैं, तो उसका ये है कि ऑलरेडी इस पे मैंने एक दो वीडियोस बनाए हैं पहले हमारे दूसरे चैनल पे भी, बट द पॉइंट इज ये रिसर्चेज में देखा गया है, वो भी एनिमल रिसर्च में, जब 1.5 किलो से ज़्यादा सोयाबीन के प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं डेली इतनी हाई मात्रा में, तब जाके ऐसे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, वो भी कई हफ्तों के बाद। सो 25 ग्राम में तो कुछ भी नहीं होगा, 25 ग्राम में तो बिल्कुल सेफ है, बल्कि 100 ग्राम तक, 50 से 100 ग्राम, 150 ग्राम तक
बल्कि 200 ग्राम भी आप ले सकते हो पर डे सोए प्रोटीन्स। लेकिन इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, चाइना जापान में इतना रेगुलरली यूज़ होता है, ऑलमोस्ट हर घर में ये डेली सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं और उनका एवरेज अगर इंटेक देखेंगे तो आप 60 से 80 ग्राम तो एवरेज इंटेक है उनका डेली। सो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, कोई गायनेकोमास्टिया नहीं होता है, बहुत ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। सेकेंड साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, आपको माइल्ड स्टमक एबनॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स, स्टमक में थोड़े से किसी को ब्लोटिंग, किसी को दर्द, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को डायरिया हो सकता है, किसी किसी को, ज़्यादातर लोगों को अगर कोई एलर्जी नहीं है सोया प्रोडक्ट से तो उनको कोई भी मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, जिनको एलर्जी है उनको ये दिक्कतें आ सकती हैं। तो सोया प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफ हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे सोया बीन लीजिए, चाहे सोया चंक्स लीजिए। सोया चंक्स में बेटर, सोयाबीन के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बेहतर है, उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स और कम है, फैट्स और कम है, या आपने साइंस ऑफ न्यूट्रिशन वाले वीडियो में हमारे देखा होगा सोयाबीन और सोया चंक्स। सो सोया चंक्स आर वेरी गुड सोर्सेस, सोया चंक्स आप ले सकते हो, बिल्कुल दबा के खा सकते हो, सोया प्रोटीन आइसोलेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोयाबीन खा सकते हो, जिसको हम हरवा या बरबटी कहते हैं, बिल्कुल उसको खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं होने वाली, कोई एस्ट्रोजन नहीं बढ़ने वाला है, दिस हैज़ बीन प्रूवन मेनी टाइम्स। इसका मैं नीचे रिसर्च लिंक्स भी दे दूंगा आपको सेफ्टी का, वो भी आप पढ़ सकते हो इफ़ यू वॉन्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो कौन सा चाहिए ज़रूर लिख के बताइए, ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।